नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं और ये एक ऐसी टॉपिक है साथियों जिसको लेकर पिछले कई वर्षों से सेंट्रल गवर्नमेंट प्रयास कर रही थी कि इस बिल को लाया जाए, है ना, और अंततः यह बिल पास भी हो गया। तो साथियों ये टॉपिक है हमारा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। अगर मैं खास तौर पे बात करूँ देश में रहने वाले जितने भी लाइक सिटीजन्स स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो उनके डेटा के प्रोटेक्शन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। नाउ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डेटा है ना, तो डेटा का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, आपकी जितनी भी डेटा या आपसे संबंधित जितनी भी लाइक यू नो कह सकते हैं डेटा जो भी ऑनलाइन आपका अवेलेबल है, जो ऑलरेडी स्टोर्ड है, जैसे आपके व्हाट्सएप पे हो गया, गूगल पे हो गया, या फिर अलग अलग माध्यम सोशल मीडिया जो भी आप कह लीजिए, तो ऑनलाइन आपका जो डेटा स्टोर या कंप्यूटर के या कंप्यूटरीकृत आपका डेटा कहीं स्टोर्ड है तो उसको लेकर बेसिकली यहाँ पे बात किया जा रहा है। जैसा कि डिजिटल से भी क्लियर है कि कंप्यूटर में सारा डेटा जो स्टोर है उसके प्रोटेक्शन को लेकर ये बात की गई और ये बिल लाई गई है। तो चलिए इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, इस बिल को बारे में और आगे डिस्कशन करते हैं साथियों। हाल ही में ये बिल पास हुआ लोकसभा में और ये जो बिल है इसका नाम आपको मैं फिर से बता दूं कि भाई ये डेटा प्रोटेक्शन बिल है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये दूसरा प्रयास था, इससे पहले भी इन्होंने प्रयास किया था, हालांकि ये सफल नहीं हो पाए किसी कारणवश और अंततः सेकेंड अटेम्प्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बिल पास कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इस बिल के आने से क्या बदलाव होगा, एक आम जनमानस के जीवन में क्या क्या हम लोग बदलाव देख सकते हैं। देखिए ये की टर्म है आपके सामने, कुछ इस की टर्म के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ टॉपिक के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो ये है साथियों डेटा फिड्यूशियरी, ये होता कौन है। जैसे मान लीजिए कि आज अगर हम व्हाट्सएप की बात करें या फेसबुक की बात करें या मान लीजिए आप गूगल प्ले स्टोर में एंड्रॉयड फोन्स की जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपका है तो उसमें जब भी आप कोई डेटा डाउनलोड या फिर कोई ऐप डाउनलोड करने जाते हैं आप, तो सबसे पहले आपसे परमिशन मांगा जाता है। तो परमिशन कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोग बिना सोचे समझे सारा परमिशन देते हैं क्योंकि उनको हड़बड़ी होती है उस ऐप को चलाने के लिए। साथियों आपको मैं बताऊं, वैसी कंपनी जो आपकी डेटा को उपयोग में ला रही है उसको हम डेटा फिड्यूशियरी के नाम से जानते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे डेटा प्रोसेसर है। सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे कहीं कहीं आप जाते हैं, जैसे आधार कार्ड अगर आप देखें तो आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, तो एक प्रोसेस क्या है आपके डेटा को एक्सेप्ट करने का जो कंपनी ले रही है वो किस प्रोसेस से ले रही है, क्या फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से ले रही है या फिर मान लीजिए अलग अलग तरीके हैं, क्या वो ऑनलाइन ले रही है ऑफलाइन ले रही है, प्रोसेस क्या है, यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस की बात की गई है। जब हम डेटा की बात करते हैं तो कई ऐसे डेटा होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आपका बैंक का अकाउंट हो गया, उससे रिलेटेड कोई डेटा हो गया, जैसे आप पेटीएम या फिर कहीं पे भी जैसे अमेजन प्राइम या कहीं पे भी जाकर आप थोड़ा सा लेते वक्त वहाँ पर उनको डेटा आप देते हैं कुछ भी, तो जो सबसे महत्वपूर्ण डेटा है उसको कैटेगराइज किया गया है और उसको क्रिटिकल पर्सनल डेटा का नाम दिया गया है। साथ ही डेटा प्रोसेसिंग होता है साथियों कि वो किस तरीके से लिया जा रहा है और ये मान लीजिए माध्यम क्या है आपका डेटा लेने का और किस तरीके से लिया जा रहा है। डेटा प्रिंसिपल का मतलब यानी हम और आप जिनका डेटा कंपनीज यूज करके अपना काम चला रही हैं, कभी कभी तो ऐसा भी सुनने में आता है कि सारी कंपनीज हमारे डेटा को कहीं और सेल कर देती हैं, तो ऐसे कई खबरें हमने न्यूज में भी सुनी है। इसके बाद आप देखें इसमें अगला आपका जो इसी में आपका फैक्ट हो ये है कि भाई डेटा प्रोटेक्शन बिल का इतिहास क्या रहा। साथियों अगर आप इसको देखेंगे तो आप यहां देखिए, वन सेकंड रुकिए थोड़ा सा, हाँ तो इसका इतिहास क्या रहा। देखिए भारत में जो डेटा सुरक्षा है ये जब से टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस है, अगर मैं बात करूं राजीव गांधी के समय से ही अगर आपने देखा होगा तो टेक्नोलॉजी का एक एरा शुरू हो गया था इंडिया में, तो उस समय थोड़ी सी चिंता जताई जा रही थी कि भाई अगर मान लीजिए कि डेटा कल को गए ऑनलाइन हो जाए या कोई भी डेटा इस तरीके की ऑनलाइन होने की संभावना हो जाए तो डेटा के जो है चोरी होने की चांसेस भी बढ़ सकती है, उसके प्रोटेक्शन को लेकर सवाल खड़ा हो सकता है। अंततः 1999-2000 के आसपास जब इंटरनेट का एक थोड़ा सा रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका है इंडिया में, तो कई ऐसी खबरें आई कि डेटा चोरी हो रही है, डेटा बेची जा रही है किसी कंपनी के द्वारा, डेटा फिड्यूशियरी के द्वारा। उस मामले को लेकर आप यहाँ पे देखिए कि इंडिया में उस समय से भी तक कोई ऐसा पर्टिकुलर कानून नहीं था जो हम कह सकते हैं कि डेटा कोई आम जनमानस के डेटा को प्रोटेक्ट कर सके। उसी को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हालांकि यू नो आईटी एक्ट आया था आपका 2000 में, लेकिन उसमें ज़्यादा वैसे प्रोविजंस नहीं थे जो आम जनमानस की डेटा को प्रोटेक्ट करने में सक्षम हो पाए। 2017 में केंद्र सरकार ने देश में डेटा सुरक्षा से संबंधित मामले को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और एक कमेटी उन्होंने बैठाया, उस कमेटी का नाम था बीएन श्रीकृष्ण कमेटी साथियों।
इसी मामले को लेकर अगर आप देखें तो एक मैं आपको यहाँ पे टाइमलाइन दिखाना चाहूंगा, और ये टाइमलाइन क्या है इस पे थोड़ा देख लीजिए साथियों। ये टाइमलाइन कुछ इस प्रकार है कि 2017 में अगर आप देखें तो प्राइवेसी को हमारा फंडामेंटल राइट का हिस्सा बनाया गया। और मैं आपको बताऊं कि केस पुट्टा स्वामी जो और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का हिस्सा बनाए। इस तरीके की बातें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय की थी। इसके बाद आप अगर देखें कि जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी बैठाई जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोली जाती है कि आप एक काम करें कि आप ये देखिए कि डेटा प्रोटेक्शन को लेकर क्या क्या इश्यूज है इंडिया में और किस प्रकार की क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, किस प्रकार के बिल या प्रोविजन लाई जाए जिससे आम जनमानस की समस्या का समाधान किया जा सके। जुलाई 2018 की घटना है कि अगर मैं बताऊं तो उस समय डेटा जो है ड्राफ्ट ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है जस्टिस श्री कृष्णा के रिकमेंडेशन पे यू नो इंट्रोड्यूस किया गया और उसको लेकर पार्लियामेंट में उसको पास करने की भी योजना बनाई गई दिसंबर 2019 में। पार्लियामेंट में लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया इस मामले की पूरी रिव्यू के लिए। इसके बाद एक और आप देखिए टाइमलाइन के अनुसार कि दिसंबर 2021 में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसको एक तरीके से हरी झंडी दिखा दी और बोला कि नहीं, दिस बिल इज गुड, इसको लाया जा सकता है, आपके देश के जनमानस या सिटीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद अगर आप देखें साथियों तो अगस्त 2022 में इस बिल को वापस ले लिया गया, यानी जो सपना लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लॉन्च करने वाली थी कुछ इशू के कारण इस बिल को वापस ले लिया जाता है, तो ये पहला प्रयास था। इसके बाद नवंबर 2022 में मैती रिलीज करती है इस प्रकार के एक डेटा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए कि भाई जनता का क्या रिव्यू है। देखिए कभी जब भी कोई बिल पास होता है तो आपने देखा होगा लोकसभा में, मान लीजिए कोई भी बिल अगर पास होता है तो अक्सर कई मामलों में कई बिल्स में देखा गया है कि वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत उसको लॉन्च करते हैं। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब कि भाई इसको एक बार लॉन्च करके देख लेते हैं क्या जनता का व्यू है, किस प्रकार का इसका परफॉर्मेंस रहेगा, अगर अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी तो इस बिल को आगे मॉडिफाई करके या फिर इसी बिल को आगे लेकर चला जाएगा, नहीं तो बिल को क्या कर दिया जाएगा, उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो इसको एक प्रकार से पब्लिक कंसल्टेशन के लिए लॉन्च किया गया, पब्लिक का इसमें मेजोरिटी सपोर्ट था कि इस बिल को लाया जाए और 5 जुलाई 2023 को अंततः यह घटना घटी कि यूनियन कैबिनेट ने इस बिल को पास करवाते हुए इसको अप्रूवल दे दिया और उसका एक नाम हो गया ड्राफ्ट डीपीडीपी है ना बिल 2023। और मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई बिल पास होता है साथियों लोकसभा से तो राज्यसभा में पास करवाना होता है, तो इसके बाद आप प्रेसिडेंट के पास वो बिल ले जाई जाती है, इसके बाद वो एक्ट बनता है, अधिनियम या कानून बनता है। तो ये हमारा ये टॉपिक था। इसके बारे में अगर थोड़ा सा और जाने, हालांकि मैं आपको बता दूं कि टॉपिक 67 इंटरव्यू जो बच्चे क्वालिफाई करने वाले इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 69th के जो बच्चे हैं जो मेंस देने वाले हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करके उनके लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई बीएन श्री कृष्णा की कमेटी तो बैठ गई, अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो कृष्णा साहब की जो कमेटी है इसके रिकमेंडेशन पे डेटा पर्सनल जो प्रोटेक्शन बिल है 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। फिर इसके बाद एक चीज और है कि ये जो बिल लाया गया है, जैसे मान लीजिए अगर इंडिया में 5-year प्लान लाया गया तो जाहिर सी बात है कि यूएसएसआर का जो मॉडल था स्टालिन के द्वारा जो लाया गया था आपका 5-year प्लान जिसमें एग्रीकल्चर को फर्स्ट टारगेट रखा गया था फर्स्ट 5-year प्लान में, तो एक किसी न किसी मॉडल पर ही डिपेंडेंट था। तो इंडिया का एक पुराना ये रहा है आधार कि भाई हम किसी देश का कोई मॉडल ऑलरेडी लॉन्च है तो उस पर ट्राई करके देख लिया जाए, ऐसे पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने से आदमी बचता है। इंडिया में साथियों ये बिल पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन की जो डेटा प्रोटेक्शन को लेकर जो बिल है जिसे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन कहा जाता है GDPR, उस पर बेसिस है और उसको ध्यान में रखते हुए ये लाया गया है। इसके बाद अगर आप इसके बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट अगर जानना चाहें तो आप देखिए सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे आपके मन में ये बार बार क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज पर्सनल डेटा। तो भाई पर्सनल डेटा क्या है, देखो वो हर डेटा, वन सेकंड रुकेंगे, वो हर डेटा जो आपके अपने इंडिविजुअल आपके अपने से महत्वपूर्ण आपके अपने से जुड़ाव जिसका है, यानी आपसे जिससे आपका जिससे संबंध है, जो आपकी रिकग्निशन आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है, उसको आप पर्सनल डेटा की संज्ञा या डिफिनेशन दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा क्या है, सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये बिल लाया गया तो इसके फीचर के बारे में भी जानना अति आवश्यक है, क्योंकि मैं मानता हूं कि 67 बीपीएससी में ये खास करके 69 बीपीएससी के मेंस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में साबित हो सकता है, तो ये जान जाते हैं कि भाई इसकी विशेषता क्या है, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार की चीजें में लिखनी होती है। तो सबसे पहले तो भाई कि एप्लीकेबिलिटी इसका क्या है, देखिए जो बिल है साथियों वो आपका बोल रहा है कि प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया वेयर सच डेटा इज,
तो भाई मान लीजिए कि ये जो बिल है इसका पूरा जो रेगुलेशन वो इंडिया में ही लागू रहेगा, हालांकि आउटसाइड इंडिया भी इसके कुछ अपने पावर है, लेकिन इस बिल में ये मेंशन किया गया है कि इस बिल का अत्यधिक उपयोग इंडिया के अंदर किया जाएगा, वैसा माध्यम जहां पे आपसे ऑनलाइन डेटा कलेक्ट किया गया हो या ऑफलाइन पहले लिया गया और बाद में कंप्यूटर में उसको जो है टाइप करके कंप्यूटरीकृत कर दिया गया, कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन के माध्यम में ले जाया गया, ये दोनों प्रकार के डेटा जो है आपके जो है इसके अंदर आएंगे और इनसे संबंधित डेटा को रिलेटेड आपकी ये कानून बनाई गई है। अगर यहाँ से आपका डेटा लिया गया और वो कहीं ना कहीं आपका मालफंक्शन गलत तरीके से उपयोग में लाया जा रहा है तो वहाँ पे ये बिल एक्टिव हो जाएगा। साथियों दूसरी ओर अगर आप देखें, इट ऑल्सो अप्लाई टू द प्रोसेसिंग ऑफ द पर्सनल डेटा। मान लीजिए कि कल को गए अलीबाबा से आपने कुछ खरीदा और आपका कोई डेटा जैसे इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ स्टोर हो गया, अलीबाबा ने वो चीज सेंड कर दिया कहीं पे, मान लीजिए उसको सेल कर दिया, तो आपके ऊपर ये पूरी तरीके से जिम्मेवारी है कि आप उस पर एक्शन ले। वो मैं आगे डिस्कशन करने वाला हूँ कि डेटा प्रिंसिपल के क्या अधिकार होंगे इस मामले में, क्योंकि हम और आप डेटा प्रिंसिपल हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मान लीजिए कोई इस प्रकार की कंपनी जो ऑलरेडी MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और आपकी डेटा को गलत तरीके से उपयोग कर रही है, आउटसाइड इंडिया भी उसका उपयोग हो रहा है, तो उस पर भी ये उससे भी रिलेटेड हमारे इस बिल में प्रोविजन दी गए हैं कि उस पर किस तरीके से हम एक्शन ले सकते हैं। साथियों जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या फिर कहीं पे भी, तो आप अभी अगर गूगल प्ले स्टोर पे जाएं तो आप अगर कोई डेटा या फिर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो आप पाएंगे कि वहाँ पे कुछ परमिशन मांगा जाता है, तो कई बार तो हम बिना देखे हुए परमिशन देते हैं। लेकिन ये मेरा सबको ये सलाह है कि भाई परमिशन देख लिया करो कि क्या क्या हमें देना है, क्या क्या जरूरी है। तो पर्सनल डेटा में बी प्रोसेस्ड ऑनलाइन फॉर अ लॉफुल पर्पस आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल, आपसे इजाजत लेने के बाद ही कंपनियां वो डेटा ले सकती हैं। साथ ही साथ मान लीजिए कि वैसे बच्चे जो 18 वर्ष से, यानी वैसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, जो बच्चा के कैटेगरी या फिर टीनेजर की कैटेगरी में आता है, उसी स्थिति में जो भी डेटा या फिर कंसेंट लेना होगा किसी कंपनी को, तो उसके माता पिता या गार्जियन से जो है आपका अलाउ लेना होगा, उनसे परमिशन लेना होगा। साथियों ये भी इसमें प्रोविजन में बात की गई है कि कल को अगर आपको अपनी डेटा को किसी कंपनी डेटा फिड्यूशियरी से निकलवाना हो तो एज अ डेटा प्रिंसिपल आपके पास ये अधिकार है कि आप उसको निकलवा सकते हैं और उसको आप बोले उनको कि भाई ऐसा है कि मेरी डेटा को वापस कर दिया जाए। तो ये भी प्रोविजन आपके या फिर हम कह सकते हैं कि बिल में प्रावधान मेंशन किए गए हैं। आगे आइए, अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये डेटा प्रिंसिपल यानी हम और आप जिसका डेटा लिया जा रहा है कंपनी के द्वारा, उसको क्या क्या अधिकार मिला इस प्रोविजन में। तो पहला तो यह है कि भाई आपकी जो डेटा है, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, कि किस तरीके से आपसे डेटा लिया जा रहा है, बायोमेट्रिक हो या फेशियल रिकॉग्निशन हो, किस तरीके से लिया जा रहा है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके लेने की पूरी अधिकार है, उस कंपनी से आप ले सकते हैं। दूसरी चीज, कभी कभी होता ना कि आपकी, अरे यार मतलब आपने अप्लाई किया मान लीजिए अमित यूनिवर्सिटी में बीटेक के लिए और गलागोटिया से कॉल आ जाता आपके पास, अब पता नहीं चलता कि भाई मैंने यहाँ अप्लाई किया था, उसके पास कैसे चला गया। सो द रीजन इज कि यहाँ पे वो डेटा सेल कर दिया जाता है, उसमें अपना उनका शेयरिंग होता है, तो यहाँ पे वो आप पूछ सकते हैं कि भाई डेटा आपको कहाँ से मिला मेरा, यानी ये प्रोसेसिंग का माध्यम क्या था, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि टू नॉमिनेट अनदर पर्सन, अब होता है कभी कभी ना कि अब जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे आपकी अपनी चैनल है, जैसे सिद्धू मूसेवाला केस में अगर आप देखिए तो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होता है, जो भी स्थिति रहती है उसके बाद एक चिंता ये जताई जाती है कि भाई उसका चैनल कौन हैंडल करेगा। तो ऐसी स्थिति जहाँ पे मान लीजिए जिसका भी अपना अकाउंट है या फिर जो भी डेटा है, अगर उससे संबंधित व्यक्ति की किसी न किसी रीजन से मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद कौन उस पूरे डेटा का जिम्मेवार होगा या फिर कौन हैंडल करने वाला होगा, डेटा पर्सनल कौन होगा या डेटा प्रिंसिपल कौन होगा, ये पूरा जिम्मेवारी या पूरी जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही रजिस्टर्ड करवानी होगी, और किसके पास करवानी होगी ये भी हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। उसके लिए एक बोर्ड बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो चीज़ है। दूसरी के साथियों कभी कभी होता है कि मान लीजिए कोई भी, अगर मैं जैसे अगर GS2 UPSC की ही बात कर लूँ, तो GS2 में आपको मालूम होगा गवर्नेंस की हम बात करते हैं, उसमें ई गवर्नेंस का बात किया जाता है, सर्वोत्तम मॉडल की बात की जाती है। साथियों तो होता है ना कि जैसे आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ब्यूरोक्रेट कि भाई आप जो भी चीज़ हैंडल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई समस्या होता ही है उससे जुड़े स्टेक होल्डर्स के लिए, तो स्टेक होल्डर अपनी समस्याओं को कहाँ रजिस्टर्ड करवा सकता है, वो भी तो एक प्रक्रिया होनी चाहिए ना, कि उसका कोई अगर मान लीजिए शिकायत है तो कौन इसको एक्सेप्ट कर सकता है, कौन सॉल्व कर सकता है। उस मामले को लेकर इस बिल में भी, इस डेटा पर्सनल बिल को लेकर, अगर आपकी पास कोई शिकायत दर्ज करवाना हो, उससे संबंधित सॉल्यूशन भी चाहिए, तो आप अपना जो है उसका भी प्रावधान यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक डेटा प्रिंसिपल के तौर पे आपके पास ये पावर होगा, राइट्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
साथियों अब ये सवाल खड़ा होता है कि भाई आप देखो, कहने का मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको राइट्स दिया गया तो आपको ड्यूटीज भी का पालन करने के लिए बोला गया। महात्मा गांधी का वैसे भी कहना था कि अगर आप अपनी ड्यूटी का सही तरीके से पालन करें तो राइट्स तो अपने आप आपको मिल जाती है। उसी प्रकार कि भाई अगर आप डेटा पर्सनल यानी डेटा प्रोटेक्शन बिल में जो प्रोविजन दी गई है, डेटा प्रिंसिपल को जो राइट्स दी गई है, आपको अगर राइट्स चाहिए तो भाई कुछ ड्यूटी भी उसका पालन करना होगा। वो ड्यूटी क्या है? पहले तो ये है कि अगर आप कोई इंफॉर्मेशन या कोई अपना डेटा दे रहे हैं किसी कंपनी को तो फाल्स न दें, गलत न दें, या फिर कोई उस तरीके का मैनिपुलेटेड डेटा आप ना दें उसको कंपनी को। कल को गए, मान लीजिए डेटा रिलीज हो रही है, आपको आपका डेटा मांगा गया और पापा का आप डेटा दे रहे हैं, तो कल को गए उस डेटा के साथ कुछ होता है तो फिर कंपनी थोड़ी जिम्मेदार नहीं होगी, पूरी तरीके साफ होंगे क्योंकि डेटा आपके द्वारा गलत फुलफिल किया गया। तो ये चीज़ है। दूसरी के फर्निश एनी फॉल्स पर्टिकुलर्स और इम्पर्सोनेट अनदर पर्सन इन स्पेसिफाइड केसेस। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग बड़े ही चलाक किस्म के होते हैं, उनसे अगर डेटा मांगा जाए, जैसे होता ना कभी कभी कि मान लीजिए आप सिम लेने गए तो आपने देखा होगा कि सिम आप दूसरे के नाम पर ले लेते हैं चूंकि उसका सारा डिटेल आपके पास है, तो ये भी स्थिति नहीं होनी चाहिए, है ना। कभी कभी आपने लिया, भले वो फंसेगा कल को गए अगर आप उस प्रकार के कोई काम करते हैं, लेकिन आपको भी टारगेट किया जाएगा चूंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट हो चुकी है, आपको भी लोकेट कर लिया जाएगा। कहने का आशय यह है कि आप अपने तरीके से क्लियर रहिए, आप अपने तरीके से ट्रांसपेरेंट रहिए, है ना। क्रिमिनल वाला एक्टिविटी मत कीजिए। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपको इस प्रकार की एक्टिविटी में पाया जाता है तो आप पर 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया डेटा प्रिंसिपल की ड्यूटीज और राइट्स के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सारा जो है टेंशन, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डेटा प्रिंसिपल पे होगा? तो मेरा उत्तर है नहीं। ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे ज्यादा टेंशन डेटा फिड्यूशियरी के पास हो जाता है। कैसे होता है, इस बात को समझते हैं। साथियों आपको अब तक तो मालूम चल गया होगा कि डेटा फिड्यूशियरी किसे कहते हैं, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जब भी कोई डेटा फिड्यूशियरी या कोई कंपनी आपसे कोई डेटा लेती है तो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस डेटा की प्रोटेक्शन वो सुनिश्चित करे, पहली चीज। दूसरा कि भाई वो डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए हर संभव सुरक्षा का या फिर कह सकते हैं प्रोटेक्शन को लेकर वो जागरूक रहे, हर प्रकार के टूल्स बनाए जिससे आपके डेटा प्रोटेक्टेड रहे। तो ये उसकी अपनी ड्यूटी है एक कंपनी की या डेटा फिड्यूशियरी की। इसके बाद अगर मान लीजिए कि उल्लंघन होती है, आपके डेटा ब्रीच हो जाती है, कहीं पे वायरल या कुछ भी हो जाता है, तो भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड, जिसकी मैं अभी बात भी कर रहा था, है ना, तो आपका यहाँ पे देखना है कि उसके पास ही पूरी चीज चली जाती है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को इन्फॉर्म करना होगा कि हाँ सर ऐसा है कि कुछ इम्प्लॉयज या कुछ लोगों की डेटा हमसे गलत तरीके से ब्रीच, या कुछ लोगों ने इसको जो हैक कर लिया, कुछ भी, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को। हर पर्सनल डेटा, साथियों अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल डेटा को इरेज कर दिया जाए, वन सेकेंड रुकेंगे थोड़ा सा, हाँ, तो साथियों यहां पे है कि इरेज पर्सनल डेटा एज सून एज द पर्पस हैज बीन। मान लीजिए कि आपकी जो डेटा ले गई किसी भी कंपनी के द्वारा या डेटा फिड्यूशियरी के द्वारा, जिस कारण से, जिस पर्पस को लेकर आपको डेटा ले गई थी, आपको आपकी डेटा को लिया गया था, अगर वो पर्पस मीट हो जाता है, पर्पस खत्म हो जाता है, तो ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा फिड्यूशियरी की कि उस डेटा को डिलीट कर दे, इरेज कर दे। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मान लीजिए वो डेटा डिलीट करने को रेडी नहीं है तो आप उस पर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, ये भी एक प्रावधान मेंशन किया गया है। मान लीजिए कि कोई, अच्छा हाँ, कुछ ये भी समझना है कि भाई कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे आप डेटा डिलीट नहीं करवा सकते हैं, है ना। जैसे कहीं कहीं तो करवा सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में आपको अधिकार नहीं मिलता है, तो सवाल खड़ा होता है वो कौन से केसेस हैं। तो साथ ही वो केस है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट से संबंधित कोई मामला हो, जैसे मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन करना हो, तो वहां पर अगर डेटा आपकी ली जा सकती है, है ना, आपका लोकेशन वहां पर किया जा सकता है, तो उस मामले में जो है आप कोई भी केस नहीं कर सकते हैं, कोई भी ये नहीं, एक तरीके से आप इरेजर करवाने की क्षमता नहीं है अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के पास डेटा है तो। साथ ही साथ यहां बोल रहा है कि भाई पर्सनल डेटा को लेकर क्या प्रावधान दिया गया है हमारे इस बिल में। देखिए कई ऐसे बिल होते हैं जिसके बारे में अभी चर्चा भी कर रहा था कि ट्रांसफर ऑफ जो पर्सनल डेटा है, अगर कोई कंपनी है तो उसको ट्रांसफर करने, अगर मान लीजिए आपके डेटा कोई आउटसाइड कंपनी, बाहरी कंपनी ले लिया, देश के बाहर की कंपनी ने, और आपके डेटा इधर उधर ट्रांसफर करना चाहती है, तो उस पर आप एक्शन ले सकते हैं, या फिर अपनी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकती है। खैर ये तो एक बात हुई, लेकिन कुछ मामलों में गवर्नमेंट एंटिटीज जो है, गवर्नमेंट से संबंधी जो कंपनियां हैं, इस डेटा का उपयोग कर सकती हैं। अगर हम एग्जेम्पशन की बात करें तो आपको जैसे कभी कभी ये भी होता है ना कि मान लीजिए कि भाई जो डेटा प्रिंसिपल है, डेटा फिड्यूशियरी है, तो कभी कभी होता है कि आपने कोई डेटा दे दिया आपने किसी कंपनी को, तो जो लेने वाली कंपनी है डेटा या फिर आप जो दे रहा है, वो दोनों की पूरी डिटेल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, ये भी चीज़ हमें ख्याल करना है। उसी प्रकार अगर आप देखें, अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई कुछ मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अगर हम डेटा लेते हैं तो डेटा प्रिंसिपल यानी हम और आप
कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, वो मैंडेटरी होगा उनके लिए, यहाँ पे हम कोई लीगल एक्शन इनके खिलाफ नहीं ले सकते हैं किस किस मामलों में। तो मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन करना हो या फिर मान लीजिए इन्फोर्स करना हो किसी लीगल राइट्स को या क्लेम्स को, कहीं मान लीजिए मान लो कहीं पे कोई प्लान कर रहा है कि भाई हमें रॉयड छेड़ना होता ना, अक्सर आपने देखा होगा फेस्टिवल्स में, तो उस मामले से रिलेटेड डेटा भी निकलवा सकती है कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या पुलिस, आप उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए ये चीज़ छूट दी गई है, वो डेटा निकलवा सकती हैं आपकी, फर्दर कोई एक्शन को इंप्लीमेंट करना है कुछ भी करना है या पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया इस मामले को लेकर एक संस्था बनाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इसको इसलिए बनाया गया कि भाई आप पूरी तरीके से मॉनिटरिंग और जो है जो पेनाल्टी है, मान लीजिए कोई भी ब्रिज करता है जैसे डेटा फिडिशरी हो गया, डेटा प्रिंसिपल जिसपे 10,000 का जुर्माना लगने वाला है, या डेटा फिडिशरी कुछ उस प्रकार के काम में संलिप्त हो सकता है, डेटा को ब्रिज करने को लेकर अगर इंक्लूडेड हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है, तो उस पर पेनाल्टी भी की भी जो है संभावना घोषित की गई है और ये बोला गया कि पेनाल्टी उस पर लगाया जाएगा। तो ये पूरा काम डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को दिया गया है। साथ ही साथ साथियों ये बताया गया है डेटा फिडिशरी को कि आप जो डेटा है उसको कैसे रखेंगे, कैसे उसका यूज करना है, और साथ ही साथ अगर मान लीजिए और डेटा फिडिशरी के लिए भी ग्रीवांसल रिड्रेसल का जो है एक तरीके से सुविधा दिया गया है इस बिल में। साथ ही साथ साथियों ये भी बताया गया है कि जो अपील है, अगर मान लीजिए डेटा फिडिशरी को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के को लेकर कोई शिकायत है तो वो अपील कर सकता है कहाँ पे, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाकर इसकी शिकायत कर सकता है। चलिए आगे आइए साथियों। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मान लो कोई कंपनी बार बार समझाने के बाद भी वो डेटा को ब्रीच कर रही है या फिर अपने आदत से मजबूर है, तो ऐसी स्थिति में उस पर 200 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। हालांकि ये पेनाल्टी बहुत हाई है किसी कंपनी के, मतलब मैं कह सकता हूँ टर्नओवर भी उतना कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मान लो कोई छोटी मोटी कंपनी स्टार्टअप है, अगर उस प्रकार का कोई काम करेगा तो कहाँ से बेचारा दे पाएगा, तो ये भी है। तो ये एक अच्छी सोच है मैं ये कहूँगा। हालांकि अंबानी की अगर मान लीजिए उस, मैं उनका नाम ले रहा हूँ सॉरी फॉर देट, लेकिन उतनी बड़ी कंपनी अगर ये डेटा लीक करती है तो उनके लिए शायद उतना बड़ा मनी ना हो, कि है आप लोग के अनुसार क्या लगता है ज़्यादा है क्या? अगर अंबानी की भी अगर मान लो कोई रिलायंस या जियो की कंपनी अगर डेटा को ब्रीच करती है तो उनको भी पे करना पड़ेगा, उनके लिए भी 200 करोड़ बहुत ज़्यादा है। क्या पता वो बेचारा मान लो गलती से उसका डेटा मैनिपुलेट हो जाता है और अंबानी ने नहीं किया, लेकिन ऐसा पाया गया कि कुछ लोगों ने मैनिपुलेट करके बोल दिया नहीं अंबानी ने करवाया, तो बेचारा को तो देना पड़ेगा। मतलब ऐसा तो अभी मैं बताऊंगा ना इसका इशू क्या क्या है। देखो अगर मान लो कोई बच्चा से संबंधित या यहाँ पर बोला भी गया है कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन फॉर चिल्ड्रेन, इनसे रिलेटेड इनका डेटा अगर ब्रीच होता है तो 200 करोड़ का जुर्माना, 250 करोड़ का जुर्माना किस मामले में है। मान लीजिए कि डेटा उनका ब्रीच हो गया कंपनी का और उन्होंने सिक्योरिटी एक्शन नहीं लिया तो उस पर 250 करोड़ का जुर्माना लगाने की बात की गई है। इसके बाद आइए, अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस बिल की क्या महत्वपूर्ण या क्या इंपॉर्टेंस थी जिसको जिसके लिए इसको लाया गया। कई आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं। पहला तो ये साथियों कि इसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत लाया गया इंडिया में। अब एक चीज आपको समझना है कि डिजिटल इंडिया बिल दैट वुड रिप्लेस एग्जिस्टिंग, यानी ये जो हमारा बिल आने के बाद जो आपके पास जो आईटी एक्ट 2000 जो था आपके पास आईटी एक्ट 2000 इसको रिप्लेस कर दी है। साथ ही साथ जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 उसको भी इन्होंने रिप्लेस कर दिया है इस बिल ने, हम कह सकते हैं और कह सकते हैं कि रिप्लेस क्या क्या है, इन तीनों बिल की जो प्रोविजंस हैं इसी में शामिल कर दिया गया डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 में। तीसरी बिल आपको मालूम है, मैं बता दूं जो तीसरा पॉइंट जो है कि भाई पॉलिसी एड्रेसिंग द गवर्नमेंट्स ऑफ नॉन पर्सनल डेटा है ना, तो ये वाली सारी चीज़ है। लेकिन इसके आगे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊँ कि साथियों आपको यहाँ पे समझना है कि जैसा कि हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केपुट्टा स्वामी केस में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया था, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि इट विल इन्हांस द प्राइवेसी कॉग्निजेंस ऑफ इंडियन सिटीजन्स थ्रू। तो ये बिल आने के बाद जो इंडियन सिटीजन्स की जो प्राइवेसी है उसको और सिक्योर कर दिया गया और स्ट्रेंथन कर दिया गया। इसके बाद कोई आम जनमानस या कोई भी हम कह सकते हैं जो पीपल ऑफ इंडिया है वो ज़्यादा टेंशन में नहीं रहेगा, हम और आप ज़्यादा टेंशन में नहीं रहेंगे कि भाई हमारा बिल कल को गए ये भी हो सकता है, या सॉरी डेटा हमारा कल को गए ब्रीच हो सकता है, वायरल हो सकता है, तो उसकी टेंशन हमें अब नहीं लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये ध्यान भी देना है कि इस बिल के आने के बाद काफ़ी मजबूत जो हमारा कह सकते हैं डेटा प्रोटेक्शन को लेकर एक मजबूत हम कह सकते हैं टूल ला दिया गया, जिससे आपके इंडिया हर इंडियंस के डेटा को हर प्रकार की सिक्योर जो है सिक्योरिटी की जो है हम कह सकते हैं बात या सिक्योरिटी की जो है संभावना दी जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ हमें समझना है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि अभी रिसेंटली कई ऐसे मामले आए जहाँ पर डेटा आपके रिलीज हुए डेटा को वायरल कर दिया गया, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और थोड़ा जागरूक हो गई, उनको ऐसा लगा कि नहीं दिस इज़ द टाइम जहाँ पे हमें लाना चाहिए। हालांकि केसेस तो आ ही रही थी लेकिन दो मेजर घटना घटी इंडिया में जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भाई दिस इज़ द टाइम दैट्स वी शुड यू नो ब्रिंग दिस पर्टिकुलर बिल इन द
लोकसभा। तो ये था कि पहला आपको मालूम होगा कोइन जो पोर्टल था, कोइन जो कोविड 19 को लेकर लाया गया था, उसमें क्या हुआ था कि कई मतलब जो टीकाकरण करने वाले उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी टेलीग्राम पर लीक हो गई थी। तो पहला ये घटना जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट को झकझोर दिया कि भाई ये पर्सनल डेटा है, प्राइवेसी, आप मतलब आप कल को गए किस बंदे को कोरोना हुआ है किसको नहीं हुआ, आप इसकी पूरी डेटा टेलीग्राम पर रिलीज कर रहे हैं, किसी गलती से है ना हम कह सकते हैं ये रिलीज हो चुकी थी। दूसरी ओर भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो 12,000 जो कर्मचारियों के लगभग 12,000 रिकॉर्ड जो थे उसको सार्वजनिक कर दिए गए थे। इन दोनों मामलों के बाद, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी जल्दी ये बिल नहीं लाती, लेकिन इन दो मामलों के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूर हो गई और सेंट्रल गवर्नमेंट पर जो है हम कह सकते हैं प्रेशर भी आने लगा, अंततः ये बिल लाया गया इन सभी मामलों को लेकर। हालांकि एक आपको फैक्ट ये भी जानना है जो मेंस में आप मेंशन कर सकते हैं और ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार अगर हम बात करें तो जितने भी 194 कंट्रीज हैं, हालांकि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तो यूनाइटेड नेशन कहती है 195 कंट्रीज हैं, लेकिन 194 कंट्रीज को लेकर ही उन्होंने डेटा बताया कि भाई 194 कंट्रीज में से 137 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास एक बहुत ही मजबूत डेटा प्रोटेक्शन बिल, इस तरीके की कोई एक तरीके की एक्ट या बिल है, इस प्रकार का कानून है, वहां की जनता के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे कानून लाई गई है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई ये जो पूरी स्थिति है, इस स्थिति के अनुसार अगर इस बिल को अगर हम ध्यान में रखें, इस बिल के लाने से किस किन किन प्रकार के कानून या किस किस एरिया के हम कह सकते हैं इश्यूज इन्वॉल्व हो चुके हैं। साथ ही इस बिल के आने से, जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपके डेटा को यूज कर सकते हैं, प्राइवेट एंटिटीज नहीं कर सकती हैं गलत तरीके से, लेकिन ये कर सकते हैं, उस पर आपका राइट्स नहीं होगा। तो सवाल ये खड़ा होता है कि फिर तो जो हम लोग फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 की जो बात करते हैं पर्सनल लिबर्टी की, फिर वो वायलेट हो रहा है फिर, है ना, क्योंकि यहाँ बोल रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधार पर अगर हम राज्य या स्टेट या गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को छूट देते हैं कि आप हमारे डेटा का उपयोग कीजिए, तो फिर तो कहीं ना कहीं हमारा फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। दूसरी ओर आप अगर देखिए कि ये बिल व्यक्तिगत डेटा को उपयोग करने से आपके होने, जैसे कभी कभी होता है ना कि आप इस डेटा का उपयोग कर लिया आपने, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर लिया, तो होता है कि इससे रिलेटेड अगर कोई कल को गए उसने यूज किया, अब वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट देख नहीं रही है ना, तो अपने फायदे के लिए कर रही है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, लेकिन हो सकता है व्यक्तिगत स्तर पे आपका वो नुकसान हो। जैसे कल को गए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे उन्होंने बिल वो डेटा यूज किया और उनको शक हुआ कि आप ही ने कोई क्राइम किया है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर आपको अरेस्ट करने आ गया, बाद में मालूम चला कि नहीं ये दूसरा बंदा था, तब तो आपकी जो एक तरीके से डिफेमेशन हो गया आपका, कहीं ना कहीं आपका मानहानि हो गया, आपको टॉर्चर किया मेंटली उन्होंने, तो ये भी एक लॉस है। हालांकि इसको हम लोग इसी में डाल सकते हैं आर्टिकल 21 में। और साथ ही साथ द बिल डज नॉट ग्रांट द राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी, तो ये तो बहुत बड़ा इशू मैं मानूंगा, डेटा पोर्टेबिलिटी का जो इशू है और ये जो डेटा राइट टू बी फॉरगेटन, ये बहुत बड़ा इशू है। अगर ये बिल को मतलब अगर इंप्लीमेंट तो हो ही जाएगा, लेकिन इसके आने से दो आपको समस्या झेलना पड़ेगा, वो क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। पहला तो आपका डेटा पोर्टेबिलिटी वाला है और दूसरा आपका जो हो गया राइट टू बी फॉरगेटन। अब ये है क्या डेटा पोर्टेबिलिटी वाला, सिंपल है साथियों, आप यहाँ पे आप इसको समझिए डेटा पोर्टेबिलिटी क्या है। द राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी अलाउज डेटा प्रिंसिपल यानी हमें और आपको टू ऑब्टेन एंड ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम डेटा फिडिशियरी, यानी हमारी डेटा मान लो डेटा फिडिशियरी ने लिया, किसी कंपनी ने लिया, तो डेटा पोर्टेबिलिटी के माध्यम से हम वो डेटा निकलवा सकते थे, कहीं ट्रांसफर करवा सकते थे उस कंपनी से, है ना। तो ये थोड़ा सा एक इशू कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इस पे थोड़ा सा इशू, इससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं दिए गए हैं आपके इस बिल में। दूसरा राइट टू बी फॉरगेटन से भी रिलेटेड कोई प्रावधान नहीं है, वो क्या होता है, देखिए राइट टू फॉरगेटन को मैं बता दूं अगर आपको कि भाई अगर मान लो कि आपके आपका कोई डेटा डेटा फिडिशरी के पास है, इट रेफर्स टू द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू लिमिट द डिस्क्लोजर ऑफ देयर पर्सनल डेटा ऑन द इंटरनेट। तो अगर मान लीजिए राइट टू बी फॉरगेटन का अगर इसमें अगर बिल में अगर कहीं मेंशन होता तो आप अपनी डेटा को थोड़ा डिलीट भी करवा सकते थे या फिर आप अपनी डेटा को लिमिट कर सकते थे। जैसे कहीं कहीं आपका डेटा फैल जाता है, कोई बहुत सारी कंपनीज आपके डेटा लेके सेल कर देती हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर सेल कर दिया, फिर कॉल आता है सर होंडा का बाइक लेना है सर, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो ये वाला चीज़ वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। मान लीजिए आपने TVS की कोई बाइक ली और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है डेटा ले लिए हो, इसको ज़्यादा यूज़ मत करना, इसको डिलीट कर देना, वो नहीं करेंगे, तो वो वाली थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है कि डेटा इरेजमेंट या फिर राइट टू बी फॉरगेटन का कोई टूल आपके प्रोविजन में मेंशन नहीं किया गया है। तो साथियों ये एक पूरा आपका हम कह सकते हैं कि पूरी न्यूज़ थी, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ आपको बता दूँ लास्ट में जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि भाई अब आगे क्या। देखो जब भी हम मेंस के लिए तैयारी करते हैं
तो इंट्रोडक्शन बॉडी तो चलो चर्चा हो गया, लेकिन हमारे पास सवाल खड़ा होता है कि भाई आगे क्या या कॉन्क्लूजन क्या होना चाहिए, कॉन्क्लूजन आगे क्या, फिर नीड ऑफ द आवर या वे अहेड अलग होता है। करंट अफेयर के ज़्यादातर क्वेश्चन में हम वे अहेड लिखते हैं मेंस में, स्टैटिक वाले में ज़्यादा लिखा नहीं जाता है। तो क्या आगे किया जाए, देखो पहले तो समझो कि आज का जो समय है, यानी इन 21st सेंचुरी, हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि भाई हमारा 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी है ना, जहाँ पे चाइना और इंडिया लीड करने वाले हैं इस सदी में। सवाल ये खड़ा होता है कि सदी में जहाँ डेटा एक तेल बन चुका है, आज उस डेटा का भरपूर गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, खासतौर पर यूनाइटेड नेशन की अगर मैं बात करूँ, तो यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो भी कुछ इस प्रकार की लॉ या फिर कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन पास करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और साथ ही साथ अलग अलग देश इस मामले को लेकर भी अपने यहाँ पे बिल पास करने का भरपूर प्रयास करें। और साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और गवर्नमेंट ही नहीं, डेटा प्रिंसिपल्स, हम और आप, हम भी बहुत ही लापरवाह हैं, हम और आप। होता क्या है कि जब भी मैं फिर से वही बात करूँगा, कुछ भी चीज़ अगर हम यू नो दूसरी जगह से कनेक्शन बैठाते हैं किसी अलग अलग मामले को लेकर, तो हम कभी कभी यू नो इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, अपनी डेटा को डिस्क्लोज कर देते हैं और उसका गलत उपयोग जो है डेटा फिड्यूशियरी कर लेती है। तो ये आपके लिए और हमारे लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भी इस मामले को लेकर जागरूक रहें। साथियों, इसी के साथ इस टॉपिक से मैं विदा लेना चाहूँगा, और आप थोड़ा कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको, और कल फिर मिलते हैं कि नए जोश के साथ, नए होश के साथ। जय हिंद साथियों।